नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा होता है और किसी नाली का जल दुर्गंध से भरा होता है। ऐसा क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जब से जल लेता है इसलिए खारा होता है और नाला उसका तो बहना ही रुक जाता है, इसी कारण वो दुर्गंधपूर होता है, किसी काम का नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार के अपना लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर नदी की भांति कुछ देना सीखो तो लाइफ में मिठास बनी रहेगी। अगर सागर की भांति कुछ बांटने के स्थान पे संशय करते रहोगे तो जिंदगी में भी खटास बढ़ती रहेगी। और नाले की भांति बहना छोड़ दोगे या काम करना छोड़ दोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए काम करते रहो, संघर्ष करते रहो, तभी जिंदगी बढ़ती जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये जो आप देख पा रहे हो इस प्रोग्रेसिव टूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ही नहीं, इस टूल को हम बनाने वाले हैं। टूल में हम जो है आज देखने वाले हैं स्प्रिंग जो है कैसे लगा है, उसकी कैलकुलेशन क्या होता है। अगर हम ये जैसे आप प्रोग्रेसिव टूल देख पा रहे हो, इस टूल की अगर बात करें हम, तो इस टूल में आप ऐसे देखोगे यहाँ पे जो नीचे जो है डाई प्लेट में हम स्प्रिंग लगा रखा है, ठीक है, में हम स्प्रिंग लगा रखा है डाई प्लेट में। तो इस केस में क्या कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से यहाँ पे स्प्रिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा स्टंपिंग ऑपरेशन है, स्टंपिंग ऑपरेशन में जो है आपका कंपोनेंट होता है जो डाई प्लेट में जो है फंस जाता है, तो फंसने के लिए हम नीचे से जो है इजेक्शन सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। तो इस इजेक्शन क्रिएट में किस तरीके से आपको यहाँ पे पोर्टिंग वगैरह करोगे, किस तरीके से इसमें स्प्रिंग लगाओगे, कैसे इजेक्ट करोगे, कैसे वाशर लगाऊंगा, कौन सा स्टैंडर्ड लगाऊंगा, स्प्रिंग में कौन से स्टैंडर्ड का लगा रहा हूँ, कौन सी कलर का लगाओ, इस कलर में कितना परसेंट जो होती है स्टिफनेस होती है, तो हर एक चीज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। जिसको भी अगर ये क्लास लास्ट तक देखना है, बहुत कुछ चीजें समझ में आने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से कंटेंट वगैरह मैं बनाते रहता हूँ। इसे भी अगर कुछ चीजें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहां पे जाके ज्वाइन। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाले, बहुत कुछ चीजें बनाने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ पे जैसे हम डाई बनाते हैं, अगर मैं कौन सी मेटल में यहाँ पे कितना क्लियरेंस देना चाहिए, कितना परसेंट क्लियरेंस होते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे मशीनिंग करेंगे, वायर कट करेंगे कि ईडीएम करेंगे, ईडीएम करेंगे तो कैसे करें, हर एक चीजें छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहना है। जिसे को भी कुछ चीजें पूछना है कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और क्लासेस वगैरह का नंबर मेंशन है, वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को ये देखना है मेरा जो प्रोग्रेसिव टूल है, यहाँ पे अपर हाफ में भी स्प्रिंग है और यहाँ पे लोअर हाफ में भी स्प्रिंग है। बट मेरा जो लोअर हाफ में स्प्रिंग है, उस हाफ में मेरे को क्या है, मेरा जो स्ट्रिप है यहाँ पे स्टैंपिंग हो रखा है। उस स्टैंपिंग को निकलने के लिए मुझे लोअर हाफ में जो है स्प्रिंग डालना पड़ेगा, और ऊपर हाफ में जो स्प्रिंग है तो इसको जो मेरा पंच है उसको गाइड करने के लिए मेरा स्टिफर प्लेट चला रखा हो, इस प्लेट के लिए स्प्रिंग है। तो यहाँ पे जो हम है लोअर प्लेट में अगर स्टैंपिंग होता है, अगर लोअर प्लेट में किसी तरीके से कोई ऑपरेशन होता है, कोई अलग स्टिफर प्लेट चलता है, तो उस केस में जो है किस तरीके से स्प्रिंग लगाना होता है और उसकी कैलकुलेशन क्या हो। अभी कभी आपको स्टाम वगैरह फंसता है जो आपकी डाई प्लेट होती है, उसको निकालने के लिए हम नीचे से अलग से स्प्रिंग डालते हैं। तो आज का जो प्रोग्रेसिव टूल है तो उसमें वही चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं राफली आपको समझा देता हूँ, मेरा जो टूल है आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से मेरा प्रोग्रेसिव टूल है। तो यहाँ पे आप डबल स्प्रिंग वगैरह मैं यूज कर रखा हो। अब अगर मैं नीचे की हाफ की बात करूँ, अगर मेरा नीचे वाला हाफ में अगर बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग लगा रखा हूँ और यहाँ पे जो स्प्रिंग वॉशर है वो लगा रखा हूँ। अब मैं जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा रखा हूँ, स्प्रिंग वॉशर लगा रखा हूँ, वो इसको कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मेरा अपर हाफ है उसको मैं पहले गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल बी कर देता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। अब मेरा यहाँ पे आप स्ट्रिप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे स्ट्रिप देख पा रहे हो, स्ट्रिप में मेरा इसका काम नहीं है तो इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। इसका भी काम नहीं है तो मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें मेरे को देखना ये है, मेरा जो कॉम्पोनेंट है, तो मेरा यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। हाइड करने के बाद आप यहाँ पे स्प्रिंग है, तो इसको हम स्प्रिंग को जो है यहाँ पे हमको काम करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो बॉडी है दोनों बॉडी को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसको वो इस तरीके से प्रोग्रेसिव टूल वगैरह में क्लास वगैरह लेना है, मेरा नंबर मेंशन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एडवांस मॉड्यूल वगैरह में सिखाता रहता हूँ। यहाँ पे जाके हम इसको डिलीट कर देंगे, स्टार्टिंग से आपको कराता हूँ पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। और दोस्तों और एक चीज़ें, जैसे हम इसमें डिजाइन कर रहे थे तो यहाँ पे जैसे स्टैंपिंग के लिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इसको अगर यहाँ पे रहूँगा, अगर इंसर्ट में डालूंगा, बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट का डालने का जरूरत नहीं है। अगर आप मेंटेनेंस के हिसाब से बाद में देखते हो तो कहीं पे डैमेज होता है तो यहाँ पे अलग से डालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑपरेशन को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को मैं आगे ले जाऊँगा। ये भी एक बार एक तरीके से करना जरूरी है, तो इसको जो है हम आगे ले जाएंगे -45 mm पर। कॉपी कर दे रहा हूँ मैं इसको,
अब कॉपी करने की बात, अब यहाँ जो है ये वाला पोर्शन जो है, अगर आप अभी के केस में इसको अगर नहीं भी बनाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटेनेंस के हिसाब से बाद में इसको आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। इसको हम जो है फिलहाल के लिए यूनिट कर देते हैं। यूनिट करने से मुझे फायदा क्या होगा, इसका जो प्रोफाइल एरिया है वो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन होगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे हम इंसर्ट वगैरह यूज कर रखा है कि पहले वाला जो हमेशा डैमेज होता है, तो ये तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मेरा जो है इसको जो निकलने के लिए मुझे स्प्रिंग लगाना है, ठीक है। स्प्रिंग लगाने से पहले मेरे को पहले वाशर बनाना पड़ेगा। वाशर बनाने से मैं कितने का स्प्रिंग लगाऊंगा, तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे एक नीचे से स्केच लूंगा। नीचे से स्केच क्यों लूंगा मैं, जैसे मैं यहाँ पे रिलीफ दे रखा हूँ, तो नीचे से मैं स्केच लूंगा। सारा तरीके से समझाता हूँ कितना, जैसे आपका ये डाई की जो होल है इसमें कितना क्लियरेंस लगाना पड़ता है, पंच में क्या होगा, डाई में कितना क्लियरेंस होगा, तो हर तरीके से चीजें मैं कैलकुलेशन से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है स्केच लेंगे, और जो स्केच है उसके हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल मतलब मेरा जो सर्कल होगा, ये जो सर्कल बना रखा हूँ मैं, इसको 25 mm का बनाऊंगा। अब 25 mm ही मैं क्यों बना रहा हूँ, इसमें क्या रीजन है ना। मेरा जो स्प्रिंग यूज करूंगा भाई, यहाँ पे कितने का यूज करूंगा मैं, 25 का स्प्रिंग यूज करूंगा, ठीक है। 25 का स्प्रिंग यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं 26 mm का कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे 26 नहीं, यहाँ पे 20 10 mm के जितना आसपास ले जा सकता हूँ उतना मेरे लिए बेहतर है। और इसको मैं एकदम उधर नहीं ले जाऊंगा, तो 26 mm का मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 25 mm का स्प्रिंग आता है, तो 26 डाया का यूज करूंगा। 1 mm जो है पार से 0.5 क्लियरेंस रख दूंगा। अब उसको निकालने के लिए एज इट इज आपको यहाँ पे भी एक सर्कल चाहिए, इसको भी हम 26 mm का कर देंगे। और इसका भी जो लेंथ होगा ना, ये जो आपका डायमेंशन देख रहे हो 0.5, इसको हम इक्वल कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको हम इक्वल कर लेते हैं, इक्वल कर दिया हमने। अब जो मेरा यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है, इसको हम ले आते हैं होल को, रेफरेंस दे देते हैं हम इसका भी 10 mm के आसपास। 10 mm दिए थे कि 15 mm दिए थे, ठीक है, 10 बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा। इसको हम 15 mm कर देंगे, इधर से भी हम इसको 15 mm कर देंगे। तो एक से जो दूसरे का जो डिस्टेंस है वो आपका 45 mm है, 45 mm होंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 45/2 कर देंगे, कर देंगे, तो यहाँ पे हल्का सा इधर चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया है। तो 20 का जो गैप होंगे वो प्रॉपर डिस्टेंस में होंगे। अब जो है ये आपका स्प्रिंग के लिए जो हम बनाएंगे, तो कितना मुझे इसको करना अभी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो है इसको मैं रफ करके, इसको एक तो मैं ये करके, और यहाँ पे एक सबट्रैक मार देता हूँ मैं, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन करके 30 mm का। मेरा जो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आप मेरा देख पा रहे हो, ये मेरा यहाँ से आ रहा है, बेसिकली इस प्लेट से नहीं करना है। तो इस प्लेट का डिस्टेंस जो है आपका 10 mm का है, ठीक है। और ये जो प्लेट है आपका कितना mm का है, 50 mm का है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 30 mm तक ले जाऊँगा मैं। 30 मतलब यहाँ पे 10 माइनस हो गया, तो यहाँ पे और ऐड करूँगा मैं, कितना ऐड करूँगा, तो 40 mm। तो मेरा 30 mm जो हाइट का मैं यहाँ पे ब्लॉक बना के सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक का जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपका जो है स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग कौन सा वाला स्प्रिंग लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पार्ट जो है इसमें फंस जाएगा, आपका डाई प्लेट में फंस जाएगा। तो उसको निकालने के लिए तो नीचे से प्रेस चाहिए आपको, जो हम स्प्रिंग और वाशर से हम डालेंगे। अब उसको बनाने के लिए कितना सही है, 3, 4, 5 mm सफिशियंट है ना, उसको पार्ट को जो यहाँ पे फंसेंगे उसको निकालने के लिए सफिशियंट है। तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा, जो मेरा स्प्रिंग बनाऊंगा उस स्प्रिंग की जो स्ट्रोक होगा अराउंड 4 से 5 mm हो मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस केस में ये बना रहा हूँ, मेरा जो ये केस होगा इस केस में मैं ये देखूंगा मैं 4 से 5 mm चाहिए। तो उससे पहले मुझे वाशर बनाना पड़ेगा। अब मैं वाशर कौन सा लूंगा, जो आपकी वाशर होता कैसा है, बेसिकली मैं आपको वाशर दिखा देता हूँ। इस तरीके से वाशर लगाऊंगा नीचे, इसके नीचे स्प्रिंग रहेगा आपका। तो ये जो मैं 25 mm का लगाता हूँ, तो 24 mm का आता है, आप देखोगे यहाँ पे 24 mm का आता है। तो 24 mm डाया में जो वाशर आता है, उस वाशर का जो साइज होता है, तो ये डाया होता है 24 mm का होता है, जो इंटरनल डाया होता है ना वो 12 mm का होता है, और इसका जो हाइट होता है वो भी आपका 12 mm होता है, इसका जो हाइट होता है 3 mm का होता है। अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके पैरासोलिक फाइल को ले लेता हूँ, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब एक्सपोर्ट करने की बात, अगर यहाँ से आपको काम करना है तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा पैरासोलिक फाइल बन के आ गया नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं, मैं मैनुअली बनाने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैनुअली बनाओगे कुछ कुछ स्टैंडर्ड आपको याद रह जाता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे बनाते हो तो हर एक चीज़ें आपको याद रखना पड़ता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन सी है, 25 ये वाला है, 24 डाया का है,
ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ इस तरीके से, देख लो आप आ गया है। अब इसके बाद जो है ये जो आपका हाइट है ना, इसको भी आपको देखना है। कंट्रोल टी, टी करने के बाद यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट कर लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट इन द सेंस ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे वॉशर लगेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका वॉशर लगेंगे। लेकिन अभी मेरे को आप ये चीज देखो, यहाँ पे स्प्रिंग का जो लेंथ है ना वो बढ़ाना पड़ेगा आपको। कैसे बढ़ाना पड़ेगा मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर देना, कॉपी की जगह इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जाने की बार अब इसमें ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा जो दो वॉशर है, स्प्रिंग वॉशर है, आप डबल साइडेड वॉशर भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। डबल साइडेड वॉशर लगाना है तो आप डबल साइडेड वॉशर भी यूज कर सकते हो। अब मुझे कितना एमएम जो है ऊपर ले जाना है, अगर आप कुछ को डायमीटर बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से ऊपर जाएगा, नहीं 8 mm मुझे ऊपर ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जो है एक मूव कमांड यूज करूंगा मैं। मूव कमांड यूज करने के बाद यहाँ पे इसको डायरेक्शन दूंगा 8 mm की, ठीक है। 8 mm का मैं डायरेक्शन देके इसको ऊपर ले जाऊंगा सिंपली। तो जैसे मैं ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे ये सरफेस की फेस तक आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको एक कमांड लगाना है, यहाँ पे जाके स्प्लिट बॉडी लगाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, ध्यान से लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत कुछ चीजें इसमें मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं करूंगा स्प्लिट, तो यहाँ पे ये वाला बॉडी हो गया मेरा स्प्लिट, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑफसेट चाहिए मुझे, क्यों ऑफसेट चाहिए, क्योंकि ये धक्का मारेगा, टाइट फिट तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे हम जो है पार साइड जो है आपको ऑफसेट देना पड़ेगा। तो पार साइड में 0.5 का ऑफसेट दूंगा पार साइड, क्लियर। अभी ये क्या काम करेगा, प्रेस का काम करेगा। अब देखो ये पहले जो है इस तरीके से रहेगा, ये बना सही है, सही नहीं है, क्योंकि क्यों सही नहीं है, ये पहले रहेगा ना। जैसे मैंने 8 mm का करा, इसमें आपने देखे होंगे मैंने जो है इसको मूव करा 8 mm का, 8 mm मूव होगा, 8 mm ही मूव होगा। तो आपको करना क्या है, इसको थोड़ा ज्यादा ले जाना है। ज्यादा इन द सेंस क्यों ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग जो है जैसे प्रेस करेगा ना तो कुछ सर्टेन एमएम आपको ऊपर रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 12 mm का कर दूंगा, 12 mm मतलब 4 mm मेरा ऑलरेडी क्या है, प्री कंप्रेस है, मतलब बाहर निकल के रखा है, स्प्रिंग से कंप्रेस हो रखा है, ठीक है। जैसे ऊपर से ये प्रेस करेंगे नीचे जाना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद जो है मुझे इसकी लेंथ मेजर करना है, यहाँ पे जो मेरा लेंथ है इसको मेजर करना है। लेंथ मेरा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने एमएम का बन के आ रहा है मेरा, यहाँ पे मैंने इस वाली फेस को सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पे मैं इस वाली फेस को सिलेक्ट करूँगा, अराउंड 39 का है, ठीक है। तो मैं इसको 40 मान लेता हूँ, 40 mm का मेरा जो है यहाँ पे स्ट्रोक है, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को 40 mm का चाहिए, ठीक है। तो मैं कौन सी वाली स्प्रिंग यूज करूंगा, देखो मैं स्प्रिंग जो है मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ले आता हूँ, 40 mm स्ट्रोक है, ठीक है। तो 40 mm मेरा स्ट्रोक है, प्लस मेरे को 5 mm जो है प्री कंप्रेस रखना है, मतलब 45 mm का मुझे स्प्रिंग चलाना ही है, ठीक है। तो 45 mm का स्प्रिंग चलाऊंगा मैं। अगर येलो लेता हूँ 40% कंप्रेशन वाला स्प्रिंग लेता हूँ, तो यहाँ पे इनटू अगर मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ कितना होगा, 16 mm कंप्रेशन, मतलब 16 mm का स्ट्रोक चलता है, ठीक है। तो मुझे कितना बड़ा स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, यहाँ से आपको स्प्रिंग की कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पहले से मैंने आपको दिखाया मेरा जो ये बन के आ रहा है 40 mm का बन के आ रहा है, तो 5 जो है पहले से 5 mm जो है प्री कंप्रेस चाहिए, 39 40 mm है ना। अब मैं यहाँ पे जैसे आपको स्प्रिंग दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्प्रिंग दिखा रहा हूँ, तो मैं येलो स्प्रिंग ले रहा हूँ। येलो स्प्रिंग क्या होता है आपका, लाइटेस्ट लोड के लिए यूज करते हैं, उसमें जो है डिफ्लेक्शन होता है 40% का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। 40% डिफ्लेक्शन होता है मतलब मैं अगर यहाँ पे 40 mm का स्प्रिंग यूज करूंगा ना, तो ये आपका जो होगा 0.4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 16 mm का ये स्ट्रोक देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 45 mm प्री कंप्रेस रखूंगा, तो 45 × 0.4 तो ये मेरा कितना होगा, 18 mm का प्री कंप्रेस देगा। 18 mm में से प्री कंप्रेस में से मैं अगर इसको 5 mm जो प्री कंप्रेस देखा उसको माइनस कर दूंगा, 13 mm का कंप्रेशन देगा। यहाँ इस केस में मैं 10 mm जो है पहले से प्री कंप्रेस रखूंगा, -5 और कर देता हूँ, तो अराउंड जो है 8 mm का मेरा कंप्रेशन में रहेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम 50% तक कंप्रेस हो सकता है। तो हम यहाँ पे कितना वाला स्प्रिंग यूज करेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो स्प्रिंग में आता हूँ मैं, यहाँ पे बैक करके स्प्रिंग में आ गया, कॉयल स्प्रिंग में। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। येलो स्प्रिंग यूज करूंगा, ध्यान रख के कई तरीके से स्प्रिंग होता है, येलो ब्लू और रेड,
परसेंट आपका लाइट वेट में आती है क्रीम कलर का, फिर जो 50% डिफ्लेक्शन होती है क्रीम कलर का आता है, 6 टाइप का पिक्सल स्प्रिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने का जो डी है ना, जो डाया है वो कितने का है, 25 का है, 25 डाया में जाऊंगा, ये डी में जाना है आपको 25 में, ठीक है। तो 25 में मैं डाया में गया, बेसिकली यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, और जो दूसरा पीडीएफ से कराता हूँ वो वाला पीडीएफ से भी कराता हूँ, तो वो तो आपके ऊपर है। तो मेरे पास कितना था, 40 mm का था, तो मैंने 45 का लिया। अगर मैं 40 लूंगा या 45 का लूंगा, मुझे तो 4 mm भी कंप्रेशन चाहिए ना, तो 4 mm कंप्रेशन में मेरे को कितना चाहिए, यहाँ पे 40 mm दिखा रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे 40 लेता हूँ, अगर मान लो 5 mm में प्री कंप्रेस ले रहा है, यहाँ पे 40 में 5 mm जो 40 mm तो चाहिए चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 mm जो है पहले से कंप्रेशन ले रहा हूँ, 40 mm की जगह मुझे 45 लेना ही पड़ेगा, 45 × 0.4, ये लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 18 mm का दे रहा है, 18 mm में माइनस 5 mm कर देता हूँ, ठीक है, 5 mm भी कर दूंगा मैं यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो 13 mm जो है कंप्रेस रहेगा, 13 mm बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 13 mm जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको जो है दूसरा वाला स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 13 mm देना है इसमें, आप कुछ सोच सकते हो, तो ऑलरेडी स्प्रिंग को कंप्रेस रखना है 13 mm में से, आप जैसे आप देख पा रहे हो आपका जो स्प्रिंग है ऑलरेडी 4 mm कंप्रेस है, मतलब -4 कर देता हूँ मैं, तो 9 mm जो है आपका स्प्रिंग कंप्रेस रहेगा पहले से ही, 9 mm कंप्रेस रहेगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 mm का जगह हम 40 mm है, यहाँ पे 40 mm का जगह हम यहाँ पे 50 mm तक जा सकते हैं। अगर मैं इसको जैसे 45 × 0.5 के हिसाब से भी कर देता हूँ, तो ये 22 mm का होता है ना, 22 mm तक जाता है, तो यहाँ पे मैं रेड वाला स्प्रिंग यूज कर सकता हूँ, रेड स्प्रिंग यूज करूंगा, रेड स्प्रिंग का जो कैलकुलेशन होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, 25% का होता है। अगर मैं यहाँ पे 45 करता हूँ × 45 × 0.25, ठीक है, तो ये बनता है 11 mm का, 11 mm माइनस करते हैं, माइनस कर देते हैं, पहले 6 mm जो है प्री कंप्रेस था ना, वो 39 था, तो 5 mm में परफेक्ट, तो इस केस में हम रेड स्प्रिंग यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे रेड स्प्रिंग यूज करेंगे 25 का, तो यहाँ पे देखो ये वाला करेंगे रेड 45 का, ये वाला यूज करूंगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लेके कौन से नंबर ही देख लो, 25 45, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब इसके बाद जाके हम इसको क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे, तो ये मेरा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं आपको समझ में गया ना, जैसे ये येलो वाला 40% होता है, रेड वाला 25% होता है, बाकी सारे चीज कैलकुलेशन सेम ही होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए मैं कौन सा लूंगा। इसके बाद जो यहाँ पे मैं इंपोर्ट में जाऊंगा, इंपोर्ट में जाने की बाद सिंपली जाके यहाँ पे 45 25 इसको ले आऊंगा, जैसे इसको ले आऊंगा ये आपका आ गया है, अब मेरे को ये वाला बनने का जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको एक चीज पहले ही कर देना है, इसकी कलर चेंज कर देना, ठीक है, क्योंकि हम रेड कलर में काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्यूजन ना रहे, इसको हम रेड कलर कर देंगे, ठीक है, रेड हो गया। अब इसको मुझे ले जाना इस डायरेक्शन में, कंट्रोल टी करके जो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से सिलेक्ट करके इसके सेंटर के साथ जाके इसके सेंटर में ले जाना है, इसके सेंटर में ले जाना, ठीक है, कॉपी। तो ये जो एरिया है ना ये प्री कंप्रेस रहेगा इतना एरिया, ठीक है। उसके बाद कॉपी में जाऊंगा, बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो ऊपर वाला फेस है, सॉरी ये वाला सिलेक्ट मत करो, ये वाला सिलेक्ट कर लो, इसके बाद जो है ये वाला सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे भी आपका आ गया है, इतना एरिया जो बाहर रहेगा उसको पता लग जाएगा ये वाला एरिया जो है मेरा प्री कंप्रेस है। तो आपको कितना स्प्रिंग जो है, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसको ऑर्डर कर सकते हो, अगर मीशो में बना है, अगर सीधा बनाना है मार्केट में ये भी अवेलेबल है, उसको भी आप डायरेक्ट मंगवा सकते हो। अब उसके बाद जो ये प्लेट आ जाएगा आपका नीचे से बैक प्लेट करके, इसको सपोर्ट कर देगा ये, ठीक है। इस तरीके से इतना एरिया प्री कंप्रेस रहेगा, कितना प्री कंप्रेस रहेगा आपको स्प्रिंग का समझ में आ गया। जिसको भी इस तरीके से क्लासेस वगैरह लेना है, प्रैक्टिकली सीखना है, तो प्रैक्टिकली क्लास ज्वाइन कर सकता है, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं देता रहता हूँ 6 mm का। तो 6 mm मेरा पहले से प्री कंप्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 mm प्री कंप्रेस है, 6 mm प्री कंप्रेस रहेगा, मतलब जैसे ये दबेगा ये क्या होगा, ये स्प्रिंग नीचे की तरफ दब जाएगा। ये था इसकी कैलकुलेशन, इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, ये कैसे स्टैंडर्ड यूज करना है मैंने आपको बता दिया है, इसका कितना क्लियरनेस रहना है मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंग कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। इस तरीके से आपको टूल बनाना है, इस तरीके से टूल बनाओगे तभी आपको इन फ्यूचर जो है प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ले आते हैं और इसको ले आते हैं, आप देख लो अभी आपका जो ये है, जैसे आपके यहाँ पे शीट आगे जाएंगे ये प्रेस होंगे, ठीक है, ये 4 mm जो है बाहर निकल के रखा है, ये प्रेस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 mm का जो है
ऑलरेडी प्री कॉम्प्रेस रखा है, तो ये क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करके रखेगा इसको अंदर, जैसे ही ये दबेगा ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है ये यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगर किसी चीज को पूछना है या कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना है आप पूछ सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं लेता रहता हूँ, जिसको भी कुछ चीज़ें पूछना होगा या क्लासेस वगैरह लेना होगा वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर मेरा मैंसनड है। प्रोग्रेसिव हर तरीके से टूल करा, ठीक है, पर पियर्सिंग टूल, पंचिंग टूल, बेंडिंग टूल, फॉर्मिंग टूल, ड्रॉइंग टूल, रिस्ट्राइकिंग टूल, स्टैम्पिंग टूल, कंपाउंड टूल, प्रोग्रेसिव टूल, प्रोग्रेसिव में भी एक यहाँ पे विजार्ड से कराता हूँ और मैनुअली भी कराता हूँ, सारा तरीके से मैं टूल कराता हूँ। जिसको भी कुछ चीज़ें पूछना है वो कमेंट सेक्शन में आप नंबर है मैंसन करके फोन कर सकते हैं। हर महीने में दो दो बैच चलता है, बैच वाइज चलता है, तो आपको अलग अलग स्टेट का अलग अलग लोग भी मिलेंगे, क्योंकि आपको मिक्सअप कर रहेंगे, वहाँ पे सीखने को भी ज़्यादा मिलती है, अलग अलग टॉपिक में बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मेरा ये जो पिलर्स कहते हैं और यहाँ पे जो मेरा बूश है, पिलर और बूश के बीच में कितना टॉलरेंस होती है, अगर GDNT में उसको डिटेलिंग करोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन वो है मेरा। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करता हूँ, हम जैसे यहाँ पे सब चला रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा इसके दोनों के बीच में कितना क्लियरेंस दूंगा, ये पांच ये गाइड प्लेट है, ठीक है, स्टेपर के हिसाब से दोनों के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए, इसको कैसे बनाएंगे। अगर स्प्रिंग में सर मैं यहाँ पे डिले यूज करूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्प्रिंग के सर मैं डिले यूज करता हूँ, तो उसकी क्या तरीका होता है, डिले कैसे यूज करना चाहिए, तो बहुत कुछ सारा चीजें मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। डाई में हम क्लियरेंस देते हैं, तो इसमें डाई में हम कितना क्लियरेंस देंगे, इस वाले डाई में कितना होता है, अगर हम MS में यूज करते हैं 5 mm का होता है, तो इसमें हम कितना क्लियरेंस देंगे, तो हर एक चीजें मैं डिस्कस में बात करता हूँ, डिटेलिंग में बात करता हूँ। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराता हूँ। और बहुत ही चीज़ें कंटेंट होती है यहाँ पे, जैसे आपको पता ही है ऑलरेडी, आपने देखते रहते हो, वो सारा चीज़ें आपका कवर होंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख के बाय बाय, जय हिंद।